इन द नेटवर्क शोन हियर फाइंड द फॉलोइंग आई वन आई टू आई थ्री। ठीक है, तो आप सबसे पहले लूप ले लीजिए, लूप ए एफ सी बी ए ले लिया, लूप में लगाएं, किरचॉफ लॉ ऐसे घूम जाए, 6 - 5 = 6 × I1, और ये उल्टा जा रहा है, ये करंट अपोजिट है, तो फोर माइनस का 4 I2, 1 = 6 I1 - 4 I2, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब ये लूप ले लो, लूप एफ ई डी सी एफ, ओके, इसमें एक ही बैटरी है, 5 = 4 I2 + हम 12 I3 लिख सकते थे इंस्टेड ऑफ दैट, क्योंकि सारे करंट हम जोड़ के दिखा रहे हैं यहाँ पे, I1 + I2, आई विल रादर राइट 12 I1 + I2, 4 + 12 = 16 I2 + 12 I1, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। अब वो सॉल्व करना है, बड़ी सिंपल, 6 I1 - 4 I2 = 1 एंड 12 I1 + 16 I2 = 5, ओके, माइनस, सॉरी पहले गुणा कर दो, इंटू 2, अब क्या बचा, 12 I1 - 4 I2 = 8 I2, सॉरी 2 6 12 2 4 2 1 2, और ये 12 I1 + 16 I2 = 5, माइनस 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 कैंसिल, सो आई एम लेफ्ट विथ माइनस का 24 I2 = -3, सो आई गेट I2 = 1/8 एम्पियर, प्लस का भी आया है, तो यानी कि डायरेक्शन I2 की सही है, ओके। नाउ I1 कितना है, किसी भी इक्वेशन में रख लो, ये भी अच्छी है, 1 + 4 I2 / 6, दैट इज 1 + 4 × I2, दैट इज 1/2 बचेगा, / 6, सो इट विल बी 1.5/6, दैट इज 1/4 एम्पियर, ये भी आ गया I1, प्लस साइन आया, तो ये भी डायरेक्शन में सही ली है, हमने गली क्वेश्चन में दे रखी थी, दोनों आ गए। और I3 कितना है, I3 इज द एडिशन ऑफ द टू, I1 + I2, दैट विल बी 1/8 + 1/4, दैट विल बी 3/8 ना एम्पियर, दीज आर द आंसर्स टू द क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच बैटरी, दोनों के ही करंट प्लस आए हैं, इसका मतलब दोनों ही करंट निकल रहे हैं सेल से, दोनों सेल डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो बहुत आसानी से हम इसको कर लेते हैं, सॉरी पेज लेना पड़ेगा एक, तो फर्स्ट सेल V = E - IR, यही लगाया जाता है टर्मिनल वोल्टेज के लिए, 6 - I1 है V1, कितना आया I1, I1 इज 1/4, 1/4 × R = 6, दैट विल बी 6 - 1.5, दैट इज 4.5 वोल्ट, और सेकेंड सेल के लिए V2 = E2 - I2 R2, वॉट इज E2, 5 - I2 is 1/8 and R2 is 4, और तो कुछ है नहीं, आई गेट 5 - 0.5, दैट इज 4.5 वोल्ट, आना भी सेम चाहिए था, वो तो ऑब्वियसली बात है, अलग आ ही नहीं सकता क्योंकि ब्रांचेस के आपस में पैरेलल है, और इसका शॉर्टकट ये भी था कि हम डायरेक्टली ये ही निकाल लेते, और दोनों में निकालने से अच्छा था, और सीधे ये निकाल के हम I3 × 12 V across all branches, एक बार में आंसर आता,
12 इंटू आई थ्री, दैट शुड हैव बीन दी आंसर। 12 इंटू आई थ्री कितना है, 3/8। 4 2 4 3 9/2 कितना, 4.5 वोल्ट। तो ये भी हम कर सकते थे। खैर, और कुछ तो पूछा नहीं गया है, दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन।